नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, राजा भोज बड़े ही दयावान, पुण्यवान, विद्वान तथा प्रतापी राजा थे। उन्हीं के राज्य में एक अति निर्धन ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण के एक पुत्री थी और उस परिवार का गुजारा वो दान के द्वारा अर्जित किए हुए साधनों से, मुश्किल से उसका गुजारा चलता था। दोस्तों, एक दिन उसकी पत्नी, ब्राह्मण की पत्नी ने उन्हें कहा कि देखिए, अब हमारी पुत्री सयानी हो गई है, हम इसका विवाह कैसे करेंगे, इसकी मुझे अब चिंता होने लगी है। तो ब्राह्मण बोले कि ऊपर वाला हमारा किसी न किसी रूप में मदद करने जरूर आएगा। उसकी पत्नी ने उन्हें सुझाव दिया कि देखिए, राजा भोज बड़े ही दयालु हैं, वे आपके आग्रह को मना नहीं करेंगे। मैं चाहती हूँ कि आप उसके यहाँ, उस राजन के पास जाएं और उनसे कुछ धन मांग कर ले आएं, जिससे हम अपनी पुत्री का विवाह कर सकें। तो इस पर ब्राह्मण सहमति जताते हैं और अगले दिन महल की ओर निकल पड़ते हैं। तो इस दौरान उसकी पत्नी ने, ब्राह्मण की पत्नी ने उन्हें कुछ नाश्ते के प्रबंध करते हुए 4 रोटी एक गठरी में बांध कर वो उसे दे देती हैं। तो जैसे ही वो रास्ते में, उन्हें ब्राह्मण को भूख लगता है, तो वे एक पेड़ के छाया के किनारे बैठकर उस रोटी को खाने के लिए निकालते हैं। और जैसे ही रोटी का एक निवाला तोड़कर अपने मुंह में लेने वाले रहते हैं कि उसी समय उन्हें एक कुत्ता दिखाई देता है और वह ब्राह्मण के मुंह को ताकने लगता है। ब्राह्मण को लगता है कि शायद यह भी भूखा है, तो उन्होंने अपने उन 4 रोटियों में से एक रोटी उस कुत्ते को दे देते हैं, उसके सामने रख देते हैं। तो वो उसे पलक झपकते ही एक रोटी वो खा जाता है। इस पर ब्राह्मण को बड़ा ही आश्चर्य होता है और वो एक-एक करके वो 4 रोटियों को उस कुत्ते को दे देते हैं और खुद भी खुद भूखा रहते हैं, और फिर से वे महल की ओर निकल पड़ते हैं। तो वे जैसे ही राज दरबार में पहुंचते हैं और राजा को अभिवादन करने के बाद वो अपनी स्थिति को बताते हैं, तो राजन बोलते हैं, देखिए पंडित जी, आपके द्वारा कोई पुण्य का काम हुआ होगा, तो आप उस पुण्य को मुझे दे दें, मैं उसके बदले में आपको धन दूंगा। इस पर ब्राह्मण बोले कि मेरे द्वारा तो कोई विशेष पुण्य का काम नहीं हुआ है। हाँ, रास्ते में आते वक्त मैंने अपने हिस्से की 4 रोटी एक कुत्ते को खिलाई है और उसके बाद मैं अभी तक भूखा भी हूँ। तो आप चाहें तो उस 4 रोटियों का दिया हुआ, 4 रोटियों को उस कुत्ते को खिलाया हुआ, उसके द्वारा जो मुझे पुण्य अर्जित हुआ है, आप उसे ले सकते हैं। इस पर राजा ने एक प्रबंध किया कि एक तराजू मंगवाया और उस ब्राह्मण के उस पुण्य को एक तरफ रखा और दूसरे तरफ धन रखकर तौलने लगे। राजा को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। राजा के धन का पड़ला कभी भारी नहीं हो पाया। तो उन्होंने उस पंडित जी से पूछा कि हे पंडित जी, या तो आप जादूगर हैं या फिर कोई बहुत ही मायावी लगते हैं मुझे, आप मुझे प्लीज आप मुझे कृपया करके अपना परिचय, सत परिचय दीजिए। तो
इस पर पंडित जी बोलिए कि देखिए महाराज, मैं कोई जादूगर नहीं हूँ या कोई मायावी भी नहीं हूँ। मैं तो एक सीधा साधा ब्राह्मण हूँ जो याचना करके अपने घर परिवार को चलाता हूँ। तो इस पर राजन को एक आश्चर्य हुआ और वे अपने विद्वान पुरुषों से, अपने राज दरबार के जो प्रतिष्ठित लोग थे, उनसे वे पूछने लगे कि देखिए आखिर में ऐसा क्यों हो रहा है। मैं इतने लंबे समय से दान पुण्य करते आ रहा हूँ, आए दिन दान करते रहता हूँ, पर मेरे द्वारा आज तक इतना बड़ा पुण्य अर्जित नहीं हुआ, जबकि इन ब्राह्मण ने सिर्फ अपने हिस्से की 4 रोटी कुत्ते को खिलाई है और उससे इन्हें इतना बड़ा पुण्य मिल रहा है। कृपया इसे मुझे स्पष्ट करें, ऐसा वे अपने लोगों से पूछते हैं राजन। तो उनको ये बताते हुए उनके लोग ये इशारा करते हैं कि देखिए राजन, ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है कि दान के द्वारा पाई हुई वस्तु का अगर फिर से दान होता है तो वो महादान कहलाता है। आपको जैसे पता ही है कि ये ब्राह्मण अति निर्धन है, ये सिर्फ याचना करके ही अपना परिवार चलाते हैं, और जो 4 रोटी जिसको इन्होंने कुत्ते को खिलाई है वो भी दान की मिली हुई वस्तु से, उसके आटे, उसके नमक से ही वो रोटी बनी थी और वही चीजें इन्होंने उस कुत्ते को खिलाई है। तो इस तरह से इनके द्वारा जो दान किया गया है वो दान नहीं अपितु महादान है। तो इस पर राजा को बड़ा ही आश्चर्य होता है और वे उस निर्धन ब्राह्मण की तत्काल बहुत ज्यादा उसकी परवाह करते हुए अपने राजकोष से बहुत सारा धन देते हैं और उसकी पुत्री का उसे विवाह करने के लिए बोलते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि अगर हम अपने वर्तमान स्थिति से व्यथित हैं, पीड़ित हैं, तब भी हमें उतनी ज़्यादा परवाह नहीं करनी चाहिए। हमें ये आस्था रखनी चाहिए कि ऊपर वाला हमें कुछ न कुछ दृष्टिकोण से हमें वो मदद जरूर करेंगे। जैसा उस निर्धन ब्राह्मण के साथ हुआ, उनकी पुत्री के विवाह करने के लिए उनके पास कुछ नहीं था, लेकिन भगवान ने उनके लिए ऐसा प्रबंध किया कि वो राजन के द्वारा उन्हें बहुत सारा धन प्राप्त हुआ और वे अपनी पुत्री का सफलतापूर्वक विवाह कर पाए। तो हमें भी अपने ईमानदारी, अपने सत्कर्म पे हमेशा भरोसा रखना चाहिए और ये कभी भी हमें अपने ऊपर संदेह नहीं करना चाहिए कि हमारा भविष्य बहुत ही अंधकार में चला जा रहा है, कि हम इतने ज़्यादा पीड़ित हैं, व्यथित हैं कि हमारा दिन कब बदलेगा। इस तरह के डाउट्स, इस तरह के संदेह हमें अपने मन में नहीं लाना चाहिए। उस परम पिता परमेश्वर पर आस्था रखते हुए अपने दिन को गुजारना चाहिए और हमारा दिन वाकई में एक अच्छा व्यतीत होता है अगर हम इस तरह के आशा रखें और ऐसे सत्कर्म भी करते जाएं, तो उसका परिणति बहुत ही अच्छा होता है। हमारा दिन बहुत ही अच्छे तरह से बीतता है, हमारा लाइफ बहुत ही खुशनुमा हो जाता है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए तो बस इतना ही। मैं मिलूंगा एक और नए वीडियो में एक और नए थॉट के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।